दशरथ राजाए पोताना मननी मूंझवण कुल गुरु वशिष्ठ मुनि ने कही, महाराज पुत्र प्राप्ति माटे शू करवू। वशिष्ठ मुनि ए कह्यु के आपणे यज्ञ द्वारा पुत्र नी प्राप्ति करीशु, अने पुत्र कामेष्टि यज्ञ माटे प्रखर विद्वान ते ऋष्य श्रृंग नामना मुनि छे, एवा श्रृंगी मुनि ने तेड़ावशु। श्रृंगी मुनि ने तेड़ावीने एमने वात करी। श्रृंगी मुनि ए कह्यु के तमसा नामनी नदी ने किनारे आपणे पुत्र कामेष्टि यज्ञ नुं आयोजन करो, अने सर्व सामग्री अने बधी तैयारी साथे राजा राणीओ ऋषि मुनिओ बधा ज तमसा किनारे गया अने त्यां पुत्र कामेष्टि नामनो एक यज्ञ कर्यो। अने आ यज्ञ में खूब श्रद्धापूर्वक आहुतिओ आपी अने यज्ञ थी प्रसन्न थयेला अग्नि नारायण स्वयं अग्निकुंड मांथी प्रगट थईने दर्शन आपवा लाग्या। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि रजायत। यज्ञकुंड भगवान नु मुख छे अने एमांथी अग्नि नु प्रागट्य, मुखाद अग्नि रजायत, अग्निदेव प्रगट थया। प्रगट थई अने पायस नो प्रसाद श्रृंगी मुनि ना हाथ में आप्यो। श्रृंगी मुनि ए पायस नो प्रसाद वशिष्ठ मुनि ने आप्यो। वशिष्ठ मुनि ए प्रसाद दशरथ जी ने आप्यो। दशरथ जी ए प्रसाद ना बे भाग कर्या, एमांथी अर्धो भाग कौशल्या जी ने अने बाकी ना जे बे भाग रहा एमांथी अर्धो कैकई ने अने सुमित्रा जी ने आप्यो। पण कैकई ने वाते वाते वांधो बहु पड़े, एने खोटू लाग्यु के मने पहेलो प्रसाद ना आप्यो, पहलो कौशल्या ने आप्यो, कौशल्या ने वधारे आप्यो, आवुं बधुं बांधो पड्यो। हाथमां प्रसाद छे अने कैकई ए प्रसाद प्रत्ये अनादर प्रगट कर्यो। राजाए आज्ञा करेली छे श्रद्धापूर्वक आ यज्ञ प्रसाद तमारे ग्रहण करवानो छे। अने त्यां अचानक ज आकाशमां एक सामड़ी उड़ती थी, सामड़ीए कैकईना हाथमां ज्यां प्रसाद जोयो तेज वखते समरीए तड़ाप मारी अने कैकईना हाथमांथी प्रसादनो ए दड़ियो उठावी लीधो अने ए पायस प्रसाद लईने उड़ती उड़ती समड़ी आगळ वधी। त्यां अचानक आकस्मिक एनी चांचमांथी ए प्रसाद छटक्यो अने नीचे अंजन नामनो पर्वत हतो, त्यां केसरी नामना वानरनुं निवास स्थान हतुं अने ए वानरनी पत्नी ते अंजनी एक प्रतापी पुत्रनी प्राप्ति माटे भगवान शंकर ने प्रार्थना करी रहेला। हे शिवजी मने एक प्रतापी पुत्र थाय एवी कृपा करो, आँखों बंद से खोबो धरेलो छे प्रार्थना करवा। अचानक सामड़ीनी चांचमांथी छटेलो ए प्रसादनो दड़ियो एना खोबामां आवीने पड्यो अने अंजनी माताए आँखों खोली, ओ आ तो पायसनो प्रसाद छे, कोणे मोकल्यो हशे। आकाश तरफ जोयुं, सामड़ी तो एनी तीव्र गतिए क्यानी क्यांय जती रहेली, आकाशमां कंई देखायुं नहीं, पण एम लाग्यु के हुं शिवनुं स्मरण करती हती एटले शिवजीए ज आ पुनीत प्रसाद मोकल्यो छे। शिवनुं स्मरण कर्युं अने बीजुं आ प्रसादनो दड़ियो सामड़ीनी चांचमांथी छटकेलो गमे त्यां पड़े पण पवन देवे ए पड़ियो लावी अने अंजनीना खोबामां मूक्यो हतो, एटले पवनना पुत्र केसरीनी पत्नीना पुत्र અને અંજનીના જાયા એવા શ્રી હનુમાનજીનું ચૈત્ર સુદ પૂનમના દિવસે અંજની દ્વારા પ્રાગટ્ય થયું। બોલો પવન પુત્ર શ્રી હનુમાનજી મહારાજની જય। એટલે આમ જુઓ તો દશરથ રાજાએ કરેલા પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞના પ્રસાદમાંથી જ રામ લક્ષ્મણ ભરત શત્રુઘ્ન અને હનુમાનજી આ બધા એક જ પ્રસાદમાંથી પ્રગટ થયા કહેવાય કે નહીં? શંકર સુવન કેસરી નંદન તેજ પ્રતાપ મહાજગવંદન, આ રીતે પવનપુત્ર હનુમાનજીનું ત્યાં પ્રાગટ્ય થયું। કૃપા કર જો હે બજરંગ બલી પવન પુત્ર